हमें तकलीफ दी जाती है कि किसी मगरब मुल्क में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती की जाती है, हमें यहाँ तकलीफ होती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एक कैंपेन करेंगे सब दुनिया के मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करके, हेड्स ऑफ स्टेट को, जो मैंने खत भी लिखा है सबको, उससे ये फर्क पड़ेगा। वजीर आजम का मगरिब की गुस्ताखाना हरकतें रुकवाने के लिए आलमी मुहिम चलाने का ऐलान। बोले कई सियासी और दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं, अपने मुल्क में तोड़फोड़ से आलमी सतह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कलदम टीएलपी के साथ मुजाकरात का पहला दौर मुकम्मल, दूसरा शुरू होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद, कुछ लोग इस्लामाबाद के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुल्क में टांग खींचने वालों की कमी नहीं। कौमी असेंबली का इजलास आज, गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद लाई जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में हतमी मुसविदा मुरतब किया जाएगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कॉल पर अमन हड़ताल, मौलाना फजलुर रहमान, सराजुल हक, ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स की भी हिमायत। इस्लामाबाद, कराची समेत कई शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कोरोना का कहर, 24 घंटों में 73 अमवात और 5152 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर के तमाम बेड्स भर गए, पंजाब में भी सूरत हाल तशवीशनाक। वबाई सूरत हाल में विफाक का रवैया गैर संजीदा लगता है, एक बार फिर सिंध को लीड करना होगा। वजीर आला मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया टॉक, करप्शन रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। मुल्क भर में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी सरगर्मियां बहाल, एसओपीज की पाबंदियां, हाजिरी की शरह कम, 1ली से 8वीं क्लास तक स्कूल ईद के बाद खुलेंगे। माहे सयाम में माफिया बेलगाम, मुनाफाखोर वसूल करने लगे अशियाए जरूरत के मनमाने दाम। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाएं। जहांगीर तरीन की वजीर आजम से दूरियां, पीपल्स पार्टी के हामी अराकीन पार्लियामान के साथ रबते, ईद के बाद बिलावल भुट्टो के बराह रास्त रबते का इम्कान। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मरहलाबार तहारी कदम तमाम की तजावीज दी। सीटीडी और रेंजर्स की जाम शोरों में कार्रवाई, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, 2 खुदकुश हमलावर शामिल। हुकाम की प्रेस ब्रीफिंग, बताया दहशतगर्दों का मकसद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सैदाबाद को निशाना बनाना था। कराची के जिला मली से कलदम तहरीके तालिबान बाजोड़ी ग्रुप का दहशतगर्द गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, दहशतगर्द ने असलहा और बारूद चलाने की तरबियत अफगानिस्तान से हासिल की है। सांगढ़ में बिजली के हाई वोल्टेज तार मोटरसाइकिल पर जा गिरे, 3 अफराद जाबहक। नवाबशाह में वजेरे के पालतू कुत्ते ने बच्चे को काट खाया, 13 साल के दिलबर जरदारी का चेहरा बुरी तरह मुतासर। अमेरिका में फायरिंग के बढ़ते वाकयात, रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में गोलियां चल गई, 3 शहरी कत्ल। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियां, भारत में मुसलसल 6ठे रोज 2 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट, अस्पतालों में गुंजाइश खत्म। और आलमी शोहरत याफ्ता ढोलची गुंगा साईं खाली के हकीकी से जा मिले, ढोल बजाने का फन ऐसा कि सुनने वालों पर वच तारी हो जाए।